मधवापुर प्रखंड के बिशनपुर स्थित ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की एक छात्रा ने बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक परीक्षा परिणाम में बेहतर रैंक प्राप्त कर परचम लहराया है, जिससे शिक्षण संस्थान में हर्ष का माहौल है। सफल विद्यार्थी इसी प्रखंड के पकरी गाँव निवासी शिक्षक जयराम यादव और रेखा देवी की पुत्री मीनाक्षी कुमारी है। इस अवसर पर विद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां सफल विद्यार्थियों को कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि पूर्व प्रमुख पति विजय यादव, संजय यादव, डायरेक्टर मनोज कुमार पासवान और प्रिंसिपल प्रवीण कुमार समेत संस्थान के शिक्षकों द्वारा पाग दुपट्टा पहनाकर मिठाई खिलाते हुए खुशी का इजहार किया। सफल मीनाक्षी ने कहा कि हम नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक इसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण किए हैं, जहां के योग्य शिक्षकों की मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत के बदौलत आज हम सफलता हासिल कर पाए हैं, जिसमें सबसे बड़ा योगदान गुरुजनों और माता पिता का है। प्रिंसिपल प्रवीण कुमार ने बताया कि मीनाक्षी शुरू से ही मेधावी है और मैट्रिक में भी प्रथम श्रेणी में अच्छे अंक प्राप्त किए। आज पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में पूरे बिहार में 3889 रैंक हासिल कर दरभंगा के सरकारी कॉलेज में प्रवेश की है। वहीं डायरेक्टर मनोज कुमार पासवान ने कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद भी हमारे विद्यालय से कई छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होकर सफल हुए हैं और आज शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचे मुकाम हासिल कर परिवार और समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी विद्यार्थी शिक्षा के प्रति समर्पित और गुरुजनों के बताए राह पर चले तो बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल किया जा सकता है। मौके पर शिक्षक संस्थान के शिक्षक अविनाश सिंह, मनीष कुमार मंडल, लालू यादव, प्रकाश कुमार शाह, अंकित कुमार मंडल, शिक्षिका रूबी ठाकुर, इकरा नंदनी ठाकुर, माधवी ठाकुर, दीपा और प्रियंका मंडल समेत अन्य उपस्थित रहे। बताइए, अभी जो आप पॉलिटेक्निक का रिजल्ट निकाले हैं, किस तरह निकला है ये रिजल्ट आपका? अच्छे से पढ़ी थी 7-8 घंटे और लगातार प्रयास किए थे। लगातार प्रयास किए थे, किनका योगदान रहा है इसमें? हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर, टीचर्स और मेरे पेरेंट्स का। तैयारी कैसे हुआ था? तैयारी कैसे किए थे? कौन सा सब्जेक्ट का कितना देर समय दिए? किस तरह से तैयारी किया आप? ज्यादातर मैथ फोकस किया गया था, क्योंकि मैथ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है और साइंस और इंग्लिश तीन ही सब्जेक्ट उसमें पूछा गया। तीन सब्जेक्ट पूछा गया है, तो क्या कहना चाहेंगे उन छात्राओं के लिए जो काम कर रही है, तैयारी कर रही है, लेकिन सफल नहीं हो पा रही है? और कभी कभी ऐसा भी होता है कि असफलता को लेकर वो पीछे हट जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? जो सफलता नहीं पा पाते उनके लिए मतलब प्रयास करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, पढ़ाई पे ज़्यादातर फोकस करना चाहिए। घर से क्या सहयोग रहा है आपका? खासकर मम्मी पापा दोनों सहयोग किए थे, पूरा फैमिली। पापा क्या करते हैं? टीचर। मम्मी? टीचिंग। तो आप एक शिक्षित परिवार से है, उसको लेके भी आपको प्रेरणा मिली है और जाके आप इस मुकाम पे पहुँचे हैं। कौन सा कॉलेज मिला आपको? जीबी कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज है? हाँ। तो ये संस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जहाँ से आप सफल हुए हैं? इन्होंने ये संस्था मुझे मतलब बहुत सहयोग किया, मैं बचपन से ही पढ़ी थी। बचपन से ही, मैट्रिक भी आप यहीं से किए हैं। क्या कहना, संदेश क्या रहेगा छात्र छात्राओं के लिए, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को कि कहाँ आके तैयारी करना, कैसे करना चाहिए? यहाँ पे मतलब अच्छे से पढ़ाते हैं तो यहाँ आके तैयारी करना चाहिए। घर कहाँ है आपका? पक्की। क्या नाम है? मीनाक्षी कुमारी। चलिए सर, बताइए अभी आपके स्कूल की एक छात्रा जो है पॉलिटेक्निक की रिजल्ट निकाली है और अच्छे कॉलेज में प्रवेश की है, क्या कहना चाहेंगे सफलता को लेकर? जी पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस खुशी के मौके पर आए। हम लोग के जो एक टीचर टीम है वो बहुत अच्छे गाइडेंस करते हैं बच्चों के प्रति, और हम लोग खासकर ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग, यहाँ जो स्कूल है ग्रामीण, बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है जी। जी तो इसमें हम लोग का मेन फोकस रहता है कि बच्चे फ्यूचर प्लानिंग होना चाहिए। पहले किसी शिक्षक या शिक्षिका में आपको अगर गुण है तभी जाके आप किसी को गुण दे सकते हैं। तो हम लोग का जो टीचर टीम जो रखे हुए हैं इसी प्रकार के हैं जो फ्यूचर प्लानिंग करे बच्चों के साथ, क्योंकि हम लोग को जानते हैं कि अभी बहुत अभिभावक को रास्ता नहीं मार पता होता कि क्या करवाना बच्चों को। तो हम लोग इस चीज़ पे गार्जियन के साथ मीटिंग करके और तैयारी करवाने का सोचते हैं कि बच्चा फ्यूचर में कुछ कर पाए, ताकि हम लोग को भी नाम हो और गार्जियन को भी सम्मानित समाज में जो है नाम रोशन कर सके बच्चे। बच्चे आपके पास पढ़े हैं, आप उनको शुरुआती शिक्षा यहीं से प्राप्त की है, कैसा उनका लगन था पढ़ाई लिखाई को लेकर? देखिए नर्सरी क्लास से ही यहाँ पढ़ी है। नर्सरी से ही? जी जी। और बच्ची जो है बहुत ही सहनशील थी पढ़ने में भी, और उसमें गार्जियन का भी सहयोग रहा है, क्योंकि जब तक गार्जियन का सहयोग नहीं रहेगा तब तक आप किसी बच्चों को आप भविष्य में कोई प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें उनको गार्जियन का सबसे बड़ा योगदान है हमारे शिक्षक के साथ साथ। और
इसमें अभी समाज के इस क्षेत्र में पढ़ाई के व्यवस्था में और सुधार लाने की जरूरत है। क्या कहना चाहेंगे उन छात्र छात्राओं अभिभावकों को से जो सफलता के लिए बच्चे पढ़ाई करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन निकाल नहीं पाते हैं, उन लोगों से खास करके लड़कियों से क्या अपील रहेगा आपका? देखिए, सरकारी योजना भी लड़कियों के लिए काफी है जो बहुत गार्जियन को नहीं पता है। हम लोग को जानकारी भी है, हम लोग बताते भी है गांव गांव जाकर के। हम लोगों ने अभी स्वच्छ अभियान का सम्मिशन चलाए थे हर गांव में जाकर के। हमारे जो क्लास के बच्चे हैं वो गांव में जाकर के सामाजिक कार्य भी करते रहते हैं बराबर कंटिन्यू। तो हम यही कहेंगे अभिभावक से कि आप जहाँ भी पढ़ाइए वहाँ का विधि व्यवस्था देख लीजिए, फ्यूचर प्लानिंग क्या है वहाँ का, वहाँ का भविष्य क्या है। पढ़ा तो सब जगह है, पढ़ा सकते हैं कहीं भी, पास कहीं भी कर सकते हैं, मगर प्लानिंग होना चाहिए, बच्चे का फ्यूचर होना चाहिए कि बच्चा का फ्यूचर कहाँ बढ़िया है। तो आप पहले देख लीजिए, और मैं यही विनती करता हूँ सभी गार्जियन से, अभिभावक से, कि आप जितने भी कोचिंग संस्थाएं चल रहा है, स्कूल चल रहा है, वहाँ का व्यवस्था को देखिए जाकर के, और जहाँ आपको लगे कि मेरा बच्चा का भविष्य यहाँ है वहाँ पढ़ाइए, अगर पढ़ाइए जरूर। अपने स्कूल में प्रशिक्षित टीचर वगैरह है? देखिए, बिहार सरकार का जो गाइडलाइन है, भारत सरकार का, यूडाई से आप देखे होंगे सब है, और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त है। और इसमें जो है हम लोग का स्कॉलरशिप भी कई बच्चों ने यहाँ से निकाले हैं, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय में पास आउट हुआ था पिछले कोरोना से पहले। तो हम लोग तैयारी करवाते हैं, कंपटीशन का भी तैयारी करवाते हैं, और बहुत बच्चे सफलता भी प्राप्त किए हैं, और आगे भी हम लोग बेहतर तरीका से प्राप्त कोशिश कर रहे हैं। मतलब योग्य टीचर है यहाँ पे? हाँ, यहाँ आपको देखिएगा सर, अभी तो सरकार का भी गाइडलाइंस है, 6 टीचर यहाँ बीएड वाले हैं, और 5 टीचर आपका डीएलएड है, 2 टीचर आपका अभी ट्रेनिंग में पीरियड में। ट्रेनिंग पीरियड में। आपका परिचय? मनोज कुमार पासवान, डायरेक्टर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल बिशनपुर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर बताइए, अभी आपकी स्कूल की एक छात्रा है, उन्होंने अभी पॉलिटेक्निक की एग्जाम निकाली है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले सर, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं वेलकम करता हूँ, आप स्वागत करता हूँ। सर, ये ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल बिशनपुर है। मैं उस छात्रा को नर्सरी क्लास से लेकर के 10th क्लास तक बहुत ही अच्छे से मैंने उसको पढ़ाया। उसके बाद उनका रैंक भी आपको ये पॉलिटेक्निक कॉलेज में अच्छा रैंक उन्होंने प्राप्त किया है, 3889 उनका रैंक आया, रैंक है जी। वो शुरू से ही मेधावी थी पढ़ने में, और वो उनके मम्मी पापा भी शिक्षक हैं, और वहाँ भी गाइड वो प्रॉपर रूप से करते थे। उसके बाद यहाँ भी हम लोग अच्छे से उनको गाइड किया है। सिलेबस क्या होता है सर पॉलिटेक्निक के लिए? सर, उसका सिलेबस होता है कि 3 सेक्शन से सर पूछा जाता है क्वेश्चन। 3 सेक्शन जी, जैसे मैथ्स है, और मैथ्स से 30 क्वेश्चन रहता है, उसके बाद साइंस से 30 क्वेश्चन रहता है, उसके बाद इंग्लिश से 30 क्वेश्चन रहता है जी। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 होता है जी, है ना। 5-5 अंक का होता है, मीन्स 450 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है जी। इसमें उसका रैंक पूरे बिहार में आपको 3889 रैंक आया है। ये पकड़ी गांव की बच्ची है, ग्रामीण क्षेत्र से सर आती है, और ये हर्ष का माहौल है स्कूल में। अभी हर्षोल्लास के साथ हम लोग उस बच्ची को सम्मानित किया है, और हम कहते हैं कि इस ग्रामीण क्षेत्र में सभी लोगों को इस मीनाक्षी की तरह बच्चे को बनना चाहिए और अच्छे मुकाम हासिल करना चाहिए। सर आपका परिचय? मेरा नाम प्रवीण कुमार, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चेतावनी को ध्यान से देखिए, आपको शौच के वक्त बहुत पीड़ा होती है, क्या आपको गुदा में मस्से हो गए हैं और शौच के साथ निरंतर खून बहता है, क्या मलत्याग के समय आपको भयंकर जलन और सुइयां सी चुभती हैं और दर्द असहनीय हो गया है, यानी आपको जानलेवा बीमारी बवासीर है, खाना रास्ता की किसी तरह की समस्या जैसे कब्ज, बवासीर, भगंदर या शौच के समय मांस बाहर निकलना, गुदा मार्ग से खून, मवाद या पानी आना, गुदा मार्ग में जलन, खुजली या दर्द होना, गुदा मार्ग के आसपास गांठ, फफोला, भगंदर जैसी बीमारी का ऑपरेशन कराने के बाद यदि परेशान है तो 7% जड़ से छुटकारा पाने के लिए एवं अस्थायी इलाज के लिए आज ही पधारे डॉक्टर हृदय कुमार, BAMS। न्यू लाइफ क्लिनिक राम जानकी चौक, सहरघाट, मधुबनी।